हेलो फ्रेंड्स तो आप सभी लोगों को याद ही होगा कि जब जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट चुने गए थे तो उस टाइम पर काफी ज्यादा डिस्कशंस चल रही थी कि जो बाइडन चाइना और ईरान जैसी कंट्रीज पर काफी ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे और रशिया और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज को फेस करने पड़ेंगे काफी ज्यादा हैवी सेंक्शन उन्हें प्रेजिडेंट बने अभी ऑलमोस्ट एक मंथ ही हुआ है और उन्होंने अभी तक रशिया और सऊदी अरेबिया के काफी सारे टॉप ऑफिशियल्स को सेंक्शन भी कर दिया है तो नमस्ते सत श्रीकाल आदाब मैं आपका दोस्त और होस्ट उमित और स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पर सबसे पहले स्टडी क्लोज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन दी वर्ल्ड ऑप्शन है ईरान सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या वेनिजुला इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए कमेंट सेक्शन में और सही आंसर आप सभी को मिलेगा वीडियो के लास्ट में तो स्टे ट्यून्ड अब बात करें रशिया की तो रशिया इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ लैंड मार्क्स यहाँ की आबादी ऑलमोस्ट फिफ्टीन करोड़ है और रशिया रूबल करेंसी यूज करता है जो कि इंडियन रुपये की तरह काफ़ी ज्यादा डीवैल्यूड है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद रशियन मिलिट्री को सेकंड बेस्ट मिलिट्री भी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेशली द एयर डिफेंस सिस्टम्स विच रशिया प्रोड्यूस अब बात करें रशियन इकोनोमी की तो वो हैविली डिपेंडेंट है हाइड्रोकार्बन्स पर क्योंकि रशिया भी एक नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और वहीं दूसरी तरफ रशिया चाइना इंडिया और सीरिया जैसी कंट्रीज़ को हाई एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करता है लेकिन बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की तो रशियन इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालात में है जहाँ एक तरफ ऑयल प्राइसेस गिरते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को भी सेंकशन कर रखा है और यही मेन रीज़न है कि क्यों रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ रशिया में करप्शन के लेवल भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं और इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन रशिया की सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वहीं अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की तो ईयर 2000 से 2021 तक व्लादिमीर पुतिन लगातार रशिया के या तो प्रेसिडेंट रहे हैं या तो प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने नया रेजोल्यूशन भी पास किया है जिससे वो 2036 तक पावर में रह सकें और इन्हीं सभी दुखों में रशिया के लोगों को एलेक्सी नवेलिनी में दिखी एक होप कि वही है जो रशिया को करप्शन और इन सब दुखों से बाहर ला सकते हैं एलेक्सी नवेलिनी एक ओपोजिशन लीडर की तरह रशिया में उभर कर आए और उन्होंने वहाँ पर स्टेज की काफ़ी ज़्यादा रैलीज़ और प्रोटेस्ट व्लादिमिर पुतिन के अगेंस्ट लेकिन एक दिन एलेक्सी नवेलिनी डोमेस्टिक फ्लाइट से रशिया के किसी दूसरी सिटी में जा रहे थे और उन्हें एक केमिकल वेपन नर्व एजेंट से टारगेट किया गया और इसके बाद नवेलिनी कोमा में थे और नवेलिनी के सपोर्टर्स उन्हें जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में ले गए जनवरी 2021 में नवेलिनी वापस रशिया लौटे और उनका प्लेन लैंड करते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया इसके बाद रशिया में स्टार्ट हुए हैवी प्रोटेस्ट जिसमें अराउंड थ्री प्रोटेस्टर्स को रशियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी कर लिया था और इस सब को देखते हुए यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे अनाउंस किए सैक्शन और अभी फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी रशिया पे सेंशन अनाउंस कर दिए हैं यूएस ने रशिया के टॉप ऑफिशियल्स के एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं और उन पर ट्रैवल बैन भी इम्पोज कर दिया है और जो बाइडन यही डिमांड कर रहे हैं कि नेवेलनी को जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए और इन सेंशन से ये क्लियर हो गया है कि जो बाइडन आने वाले टाइम पर रशिया पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे और इसका एक रीज़न भी है क्योंकि जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे और ओबामा प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर रशिया ने यूक्रेन से क्रेमिया हथिया लिया था और आज के क्वेश्चन का आंसर है वेनिजेला जिसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं और सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं सऊदी अरेबिया और कनाडा तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करें दिस इज़ उमित वर्मा साइनिंग ऑफ